सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी बना के घर, और हम लोग लाए हैं आधा केजी चिकन। तो दोस्तों, आधा केजी चिकन देख लीजिए। तो इसमें मैं मिलाई हूँ आलू, आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि चिकन थोड़ा सा है, तो आलू मिलाई हूँ इसलिए। तो एक मिनट, मम्मा का कॉल आ रहा है। सो फ्रेंड, मेरे मम्मी का कॉल आ गया था जिसके वजह से मुझे कट करना पड़ा। तो देख लीजिए, हीटर पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है। कुकर पे मैंने दे दिया है तेल। थोड़ा ज़्यादा ली हूँ आज मैं, क्योंकि स्पेशल अलग तरीके से बनाऊँगी। तो दो बार मेरा तेल गर्म होकर ठंडा हो चुका है, और हीटर थोड़ा करंट आता है तो डर लगता है। और आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, मेरे आशरानी ब्लॉग पेज पे फेसबुक पे जाके फॉलो कीजिए जल्दी से जल्दी। वहाँ भी अब अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। और मैंने ओपन किया है फेसबुक पेज, आशरानी ब्लॉग इसी नाम से है, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा आज का न्यू रेसिपी। लीजिए, मैंने ये काट लिया है। इसके पहले मैंने यहाँ पे पूरा पोंछ लिया था जो गंदगी था, और ये अभी क्लीन है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने मिर्ची काट लिया है, और ये मैं लहसुन ले ली हूँ, उसको कूट ली हूँ बेलन से। तो सबसे पहले, बहुत लोग बोलते हैं कि सरसों नहीं खाते चिकन में, लेकिन हम लोग खाते हैं, तो हम लोग डालेंगे। तो मेरा देसी अंदाज से बनाऊँगी, खड़ा मसाला कुछ भी नहीं डाल रही हूँ वैसे तो मैं। तो इधर मेरा चिकन इधर रखा हुआ है, बेसिन पे रखी हूँ ताकि इसका पानी जो है हो जाए। और बड़ा बड़ा मैंने आलू काट लिया है। तो ठीक है दोस्तों, बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे कढ़ाई पे थोड़ा सा सब्जी है, जिसके वजह से मैं कुकर में बना रही हूँ। तो इसको मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, क्योंकि पहले से ही 10,000 खर्चे हो चुके थे, और इसी वजह से, और ऊपर से फिर आज बाइक में 500 रुपये लग गया, 1,000 रुपये था। तो उसका हम लोगों ने चिकन लाया, मतलब कितना, 130 रुपये कुछ हाफ के जी ऐसे लेके आए, और बहुत ज़्यादा रेट है। और फार्म का जो चिकन है टेस्ट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, और जैसे लकड़ी का जो जड़ रहता है ना, उस टाइप का हो जाता है, एकदम चिम्बर हो जाता है, तो नहीं खाते हम लोग, टेस्ट भी नहीं रहता। तो मैं सोची कि चलो ले आती हूँ, और बच्चे का भी खाने का मन है, उसके बाप के भी खाने का मन है, तो बना देंगे। और मैं आज तैयार या नहीं हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर बारिश हो रहा है, जिसके वजह से मनु को सर्दी खांसी है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी मतलब उतना ज़्यादा मतलब नहाना वहाना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, ठंडा की वजह से मेरा जो घुटना है वो काम नहीं दे रहा है। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा गर्म पानी में नहाई थी, और ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, ऐसे ही गई थी, और क्या करूँगी, मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी पानी हो रहा है, 2-3 दिन से ऐसे पानी पानी कर रहा है। और आप लोग इसका इलाज बताना दोस्तों, मेरे गले पे इधर इधर सब तरफ थोड़ा मतलब क्या हो रहा है, ब्लैक बोलती हूँ, ये हो रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, मस्सा। तो मेरा ये पक रहा है, प्याज मैंने डाल दिया है, मिर्ची भी मैंने डाल दी है, और अभी मैं इसको थोड़ा भून लूँगी, फिर उसके बाद अदरक डालूँगी। ऐसे तरीके से एक बार बना कर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं एक बार बनाई थी जब गाँव से आई थी, उस टाइम बनाई थी मैं चिकन। तो अगर आपको वीडियो देखना हो, तो मैं अभी डाल रही हूँ ये अदरक। तो भून लेते हैं सभी चीज़ों को। सो फ्रेंड, मैंने अदरक वगैरह डाल दिया है, देख लेंगे आप लोग अपना सब्जी। डर लगता है, हीटर है, चुटकी बंद कर करके चम्मच चलाती हूँ। फ्रेंड, मैंने इसमें डाला है धनिया, मिर्ची, हल्दी, चिकन मसाला, नमक, सारे मसाले मतलब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये भी हमारा हल्का ब्राउन हो गया है,
तो इसको अब डाल ही देते हैं साथ में, भुन जाएगा ये भी। तो देख लीजिए नमक रह गया, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये घुल जाए और इसका जो भी है सही हो जाए। एक बार बनाना दोस्तों ऐसा, कभी तो ट्राई करना बिना मतलब खड़ा मसाला डाले ही ऐसे सिंपल तरीके से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है ये। और टमाटर लास्ट में मैं डालूँगी, ऐसा नहीं है नहीं डालूँगी, टमाटर भी डालना है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। और ये मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ ऐसा इस तरीके से मतलब, तो देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा हो गया। अब मैं डालती हूँ अपना चिकन, तो देख लीजिए इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। सो फ्रेंड मैंने मिक्स कर दिया है, इसको चालू करके छोड़ देते हैं, अभी ये पकने देते हैं आराम से इसको 20 मिनट कम से कम। सो फ्रेंड देख लीजिए मैंने सो गया है, तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, इधर आ जाती हूँ। तो मोनू सो गया है, मेरा सब्जी भी बन गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। इसमें मैं सारे मसाले दे के बस उसको भूंजी हूँ, हल्का सा क्या बोलते हैं पानी दी थी तो ऑटोमेटिक पानी निकला है जितना निकलना था। तो चम्मच निकाल लेते हैं दोस्तों, देख के लालच तो आ रहा है, मैंने बीच में चिकन खाना छोड़ दिया था, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया। गलत क्या हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा चिकन। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं, इसको मम्मी के पापा को पता भी नहीं है कि मैं आज इस तरीके से बनाने वाली। देख लीजिए दोस्तों काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद चिकन खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आई ट्राई, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, इतना अच्छा ग्रेवी। मज़ा आ गया, तृप्त वाली ज़िंदगी। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, सॉरी दोस्तों, मस्त टेस्ट है, नमक भी एक नंबर लगा है, सबसे ज़्यादा तो नमक मिर्ची मेन होता है। आलू भी जोरदार टूट रहा है, एकदम मस्त पका है, एक पीस और ट्राई कर लेती हूँ, फिर वो आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे, फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो फ्रेंड अभी खाना खा रहे हैं, देख लीजिए तो मोबाइल भी लगाया थोड़ा, आप लोगों को कैसे दिखाती हूँ, तो खा के बताओ कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, नया स्टाइल से ये देख लीजिए, अब खा रहे हैं दोनों, मोनू सो गए हैं क्योंकि वो कुछ कुछ खाते आए थे। मैंने तो आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था,
टेस्ट करके कि अच्छा लग रहा है बोल के। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। खाना खा लेते हैं, रात को भी मक्खी लोग जान खा रहे हैं।